हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और आज नया दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह है। अभी मैं राज को उठाई हूँ, वो अपना ब्रश वगैरह कर रहा है, तब तक उसका दूध मैंने बना लिया। और यहाँ पे टेबल के इधर मैं जितनी बार आ रही हूँ उतनी बार मैं देख रही हूँ जो उसके अंदर ग्लास के अंदर जो डेकोरेट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज का मैंने टिफ़िन वगैरह सब तैयार कर लिए और अभी वो भी रेडी होंगे, यूनिफॉर्म वगैरह पहनेंगे, थोड़ा बैठ के टाइम पास वो दूध के साथ करते हैं। और लाडो हमारी अभी सो रही हैं और राज अभी यूनिफॉर्म अपना पहनेंगे और जाएंगे सुबह सुबह स्कूल। और यहाँ पे कल के बर्तन धोए हुए रखे हैं, उनको लगाना है स्टैंड में। और मैं अभी बना रही हूँ चाय मेरे लिए और हस्बैंड के लिए। और आ जाइए आप सब भी चाय पीने। राज जो है रेडी हो गए हैं, अभी वो निकलेंगे स्कूल। तो बैग बहुत हैवी हो जाता है दोस्तों, मतलब हम लोगों से नहीं उठता है, तो ये लोग तो अभी बच्चे हैं। और राज यहाँ नित्या का टिफ़िन वाटर बॉटल लेके मुझे छेड़ रहे हैं कि मैं ही लेके जाऊँगा। कोई बात नहीं, ये न्यू है तो मैं लेके जाता हूँ। ये थोड़ा सा सुबह से ही इनका कॉमेडी चालू हो जाता है। और पिल्लोज़ जो हैं कुशन इधर उधर दिख रहे थे, तो मेरा वो आदत है रास्ते चलते ठीक ठाक करना और निकलना, ऐसे आदत है, तो मैं वो थोड़ा सा ठीक कर रही थी। और राज बस अब निकलने वाले हैं, अभी भी मुझे चिढ़ा रहे हैं बहुत सारे रहता है। और चाय हमारी जो है रेडी हो गई है और मैं अभी यहाँ रखूँगी, फिर हस्बैंड को बुलाऊँगी कि आओ, क्योंकि अभी वो सो रहे हैं। ये बारिश के टाइम बच्चों को स्कूल भेजने में, वो भी कैसा, आप साथ में नहीं जाओ, वैन की में भेजो, तो बहुत ही मतलब टेंशन होता है। और राज का ये प्रोजेक्ट है जो कि थ्रेड से ब्रेसलेट बनाना था, तो वो दिखाना है, इसलिए मैंने उनको पर्स में करके दिया है कि बैग में कहीं फंस के गिरे नहीं, टूटे नहीं। और बस राजवीर जो है, और उनका प्रोजेक्ट भी आज दिखाना है जो कि बनाना है टेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाना था। ये देखिए बनाया है हम दोनों ने मिलके, और ये आज ले जा रहे हैं। तो ये भी एक बारिश में बहुत टेंशन होता है इस टाइम पे प्रोजेक्ट बनाना देना कि, और उनको मैं बता रही हूँ कि ऐसे करके इसमें बुक्स रखना, इसमें पेंसिल इरेजर रखना, इसमें पेन रख के फिर टीचर को जो है आप दिखाना और देना, और फिर प्लास्टिक में करके मैं कवर कर ले रही हूँ, क्योंकि एक तो बारिश है, ऊपर से वो एक तो बेचारा वैन में जाता है, बहुत टेंशन होता है मुझे वो सोच के। देखती हूँ अगर मतलब नहीं दिमाग का बराबर चला तो फिर बारिश के बाद नहीं ही उसको मैं वैन से भेजूँगी, देख रही हूँ जहाँ तक होता है, क्योंकि मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। और उसने जो पर्स थ्रेड वाला था ब्रेसलेट का, इसमें रख दिया। मैं बोली इसमें मत रखो, बैग में अपने रखो, तो वापस से खोल के फिर उसमें गांठ लगाना पड़ रहा है। हस्बैंड जा रहा है नीचे छोड़ने राज को, जो है वो बहुत बेचारा, मैं क्या बोलूँ अभी, लेकिन जाने के टाइम खुश रहो रोज़ जाने के टाइम पैर छू के जाते हैं, जैसे भगवान जी का पैर छूते हैं वैसे मेरा भी पैर छू के जाते हैं। यहाँ पे देखिए जूतों चप्पल की सेल लगी है, ये सबका आज जूता चप्पल जितना भी है सब धोया हुआ है, एकदम अच्छे से क्लीन किया। सूखने में बारिश से तो टाइम लगता है। और मेरा राजा बेटा निकल गया, अभी जा रहा है, वो भी बहुत घबराता है वैन से, क्योंकि आज तक वो कभी वैन से गया नहीं। और वो भी बहुत मुझे बताता, मम्मी अच्छे से रहना, मम्मी टेंशन नहीं लेना, जल्दी आऊँगा, मम्मी ये, मम्मी वो भी बहुत करते रहता है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है जब वो जाता है स्कूल, पता नहीं क्यों। और अभी मैं किचन में जाऊँगी, मैं यहाँ पे कांदा बटाटा लेने आई हूँ, लेकिन बिना किसी बर्तन के आई हूँ, तो मैं निकाल के रख के वापस से मैं गई, हाथ में नहीं जा रहा था क्योंकि कैमरा है, वापस से बर्तन लेके फिर मैं जा रही हूँ लेने कांदा बटाटा। तो आज काबुली चना थोड़ा सा जितना था, डब्बा मैंने खाली करके धो दिया, तो जितना था तो उसमें थोड़ा सा लग रहा था कि एक आलू डाल दूँ, क्या पता नित्या को नहीं पसंद आए, तो एक ही आलू डालूँगी। और आज बनाऊँगी काबुली चना जो कि पसंद है, सबको पसंद है, हस्बैंड इतना मन से नहीं खाते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कोई भी चीज़ मैं बनाऊँ मेरे बच्चे मतलब खुश होके खाएं, हम दोनों भले चलो बिना मन के खाएं, खाना ही है, क्या मन क्या बिना मन। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा ख़त्म हो गया है, तो सुबह सुबह ये इसमें जो है ठेचना पड़ रहा है, बहुत अच्छा नहीं लगता है सुबह सुबह ये करना।
और यहाँ पे तैयारी हो गई है। अभी मैं फटाक से डाल देती हूँ मेरा छोला, और डाल दिया मैंने अभी प्याज, और ये थोड़ा ब्राउन हो रहा है, करी लीव्स मैंने थोड़ा सा डाला, और अभी अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट किया है, पेस्ट तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा दरदरा हुआ है, वो डाल के मैं थोड़ा करती हूँ। टमाटर फीड में डाल के जो भी मसाले हैं वो थोड़ा डालती हूँ, लेकिन छोला भी बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं, ऐसा लोग बोलते हैं, अभी मुझे नहीं मालूम कैसा, लेकिन सॉरी जो लोग आज तक खाए हैं सबको बहुत पसंद आता है मेरे हाथ का छोला। तो यहाँ पे ये मसाला ये करके सब हो गया, रेडी हो गया भून के। अभी मैं डाल देती हूँ इसमें पानी और सीटी लगा देती हूँ, क्योंकि दो तरीके से मैं बनाती हूँ, एक सिर्फ प्याज नमक हल्दी डाल के उसको बॉईल करती हूँ, और एक डायरेक्ट कच्चा ही डाल देती हूँ, और चावल में धो के रख लेती हूँ, जब तक वो सीटी आएगा पकेगा तब तक ये चावल धो के थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, और पलट के मैं चावल अभी डाल दे रही हूँ। हो गया काफ़ी टाइम, और ये जो है कुकर लगा के मैं जा रही हूँ दूसरा काम करने, और पानी अभी पीने का जो है वो बॉटल का ही आता है, पानी पीने का बराबर नहीं आ रहा है। तो हस्बैंड जाने से पहले वो तीनों टोपा घस के जो मैं पलटवा लेती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं होता है पलटने को, तो यहाँ पे हस्बैंड जो भी है पूरा पानी पलट देंगे सब बर्तन में, तो इजी रहेगा फिर हम लोगों को दिन में पीने के लिए। और लाडो हमारी अभी सो रही हैं, मैं थोड़े थोड़े टाइम पे इनको भी आके जगाती हूँ, फिर ये करवट बदल बदल के सोती हैं, फिर उठती हूँ फिर सोती हैं, यही रहता है, कितना भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी है सच में। और यहाँ पे वो ब्रश अभी कर रही हैं, मैं तब तक फटाफट इनका दूध रेडी कर देती हूँ। और आ गया है अभी हॉर्लिक्स इनका चॉकलेट पाउडर, फाइनली कॉफ़ी से छुटकारा मिला हमारे बच्चों को, अभी मिल रहा है इनको हॉर्लिक्स। और आप देख सकते हैं कपड़ों की बाज़ार, अभी तो जूते चप्पल दिखाए और कपड़े, सच में कपड़े सूख नहीं रहे हैं, तो सब रूम में सब दरवाज़ा सब यहाँ हैंगर वहाँ हैंगर सब जगह ना कपड़े कपड़े ही फिर आपको दिखेंगे, सब ऐसे मतलब सूखने डाल देते हैं। और लाडो मेरा एक बार उधर जाके बैठ रही है, एक बार इधर जाके बैठ रही हैं, और बस टाइम पास बहुत करते हैं। सुबह सुबह बहुत मुश्किल होता है इनको ब्रश करा के दूध पिलाना, इनको रेडी कराना बहुत ही मुश्किल होता है। राज तो खैर अभी बड़ा हो गया है तो वो कर लेता है थोड़ा एक दो बार बोलने पे, सिर्फ उठने में उसको बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन ये लाडो बहुत मुझे परेशान करती हैं। फाइनली इनका ब्रश हो गया, अभी ये माउथ वॉश अपना कर रही हैं, और दूध भी इनका लगभग ठंडा हो गया है। अभी मैं जो है ये अभी दूध पी के जा रही हैं ट्यूशन, और हस्बैंड कुछ भूल गए थे उनके जो गुरुजी हैं उनको प्रणाम करना जाने के टाइम, तो गए वो प्रणाम करके फिर लाडो को छोड़ेंगे, उधर से चले जाएंगे ऑफिस। सुबह कैसा ये थोड़ा सा भी अगर 9 बजे से इसका है तो थोड़ा सा लेट अगर जाते हैं तो मेरा काम हो जाता है सुबह सुबह, जो रेडी होके मुझे जाना पड़ता है छोड़ने के लिए। और हो गई है अभी दोपहर, जो कि लाडो के जाने का टाइम हो गया स्कूल, मैं ला के इनको खाना वाना खिला के सब फ्रेश करके यूनिफॉर्म पहना दी हूँ, और अभी मैं इनका चोटी बना देती हूँ, इनको रेडी कर लेती हूँ फटाक से और जाने के लिए। ये बहुत कॉमेडी करती हैं बहुत, लेकिन एक बात सच भी है कि मेरी लाडो जो है बहुत खुश रहती है, बहुत ही खुश रहती है, और उसको देख के हम लोग बहुत खुश रहते हैं, मतलब बहुत एक्टिव रहती है और ऐसी ऐसी बात करती है जिससे कि आपको हंसी आएगी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत समझदारी की बात करती है, तो कुछ ना कुछ वो अपना बताते रहती है उसमें, एक्टिंग करते रहती है ऐसे ऐसे। और मैं फटाफट जो है इनका चोटी बना लेती हूँ, और एक चीज़ और इनको है अभी बहुत तकलीफ़ हो रहा है रेनकोट पहनने से, तो वो बहुत अपसेट हो जाती है जब बारिश होता है जाने के टाइम, तो अगर मैं बोलती हूँ कि बेटा रेनकोट पहना देती हूँ तो वो बहुत मतलब नर्वस हो जाती है, मम्मी प्लीज़ मुझे मत पहनाओ, मुझे अम्ब्रेला में ही लेके चलो ऐसे करके, तो मुझे भी बहुत घबराहट उस टाइम पे होता है। क्या पता जब बच्चों की बात आती है तो जितना हार्ट जो अपना है बहुत सॉफ्ट हो जाता है। और ये रेडी हो गई, इनका देखो शुरू है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है ये, मुझे सच में मैं धन्य हो गई इसको पैदा करके। सच में मुझे कभी कभी फील होता है कि ज़िंदगी मेरी जो है ना वो इसको पैदा करने के बाद ही असली मेरी ज़िंदगी शुरू हुई, और जो मैं ज़िंदगी जी रही हूँ इसके साथ यही ज़िंदगी है, बाकी इसके पहले तो सब अंधेरा था, उजाला इसके होने के बाद हुई है, बहुत हालात भी बदले हैं इसको इसके होने के बाद। सच में ये इसका नाम भी नियति है, नियति का मतलब है नसीब, ये सच में हम लोगों की नसीब होके पैदा हुई है, और ये बहुत ही बड़े दिन में पैदा हुई है, ये धनतेरस के दिन पैदा हुई है, साक्षात लक्ष्मी जी हमारे घर पे आई हैं, तो मतलब ना कभी मतलब सोच ही नहीं पाते हैं मतलब
कैसे क्या करना है। अगर ये स्कूल के टाइम बाहर रहती है, ट्यूशन के टाइम में, तो ऐसा लगता है घर में कोई है ही नहीं। बहुत मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन सच में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते बिना इसके। अभी मतलब इतना हम लोग सच में, मेरी ज़िंदगी सफल हो गई इसको पैदा करके। मुझे कोई शिकायत नहीं है मेरी ज़िंदगी से, कुछ भी नहीं। जो हो रहा है सब बहुत अच्छा हो रहा है, सब बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। और मैंने इसको बहुत मन्नत से मांगा है, ऊपर वाले ने वैसे ही दिया, मेरा मतलब मुझे भर दिया इसको देख के। और बस रेडी मैं हो गई हूँ, उधर से मुझे और थोड़ा सा काम है, मुझे जाना है एक मेरे फ्रेंड के इधर, उसके बाद मुझे एटीएम भी जाना है। और इस टाइम पे एटीएम का इतना प्रॉब्लम है कि अभी 2 दिन पहले भी मैं बहुत सारा एटीएम घूमी, तब जाके बहुत तकलीफ़ से मुझे मिला। और मुझे आज भी जाना है, तो पता नहीं, देखते हैं रास्ते में क्या होता है। और फ्रेंड के इधर जाना है तो उधर काफ़ी टाइम लगेगा, और मैं कुछ सामान है जो कि मैं लेके जा रही हूँ। और बस आप सब जो है अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, और घर से निकलने से पहले जो है अपना बैग पर्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी लाडो सच में देखी छोटी हो गई अभी और मैं लाडो को छोड़ के गई फ्रेंड के इधर, अभी मैं वापस आ रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना बाढ़ जैसा आया है, इतना बारिश आ रहा है, इतना बारिश आ रहा है कि रोड भी भर गया है। बड़े मुश्किल से मतलब कैसे बचते बचाते निकलते हम लोग आए, बहुत मुश्किल से। इतना पानी ना कि चलने को नहीं हो रहा था। और बारिश में आप भीग जाओ, इसके बाद चलो, ये सब लाइन से स्कूल है जहाँ मेरे लाडो का राज का स्कूल है, लाइन से ये सब भी वहाँ का स्कूल है, अच्छे अच्छे स्कूल हैं ये सब। बहुत बारिश हो रही है, और बस मैं अभी पहुँचने वाली हूँ मेरे लाडो के स्कूल, जो कि मैं बहुत पास में आ गई हूँ। और बारिश के टाइम में चलना, और पूरा भीग गई थी मैं। ये लाडो के स्कूल का बैक साइड है, थोड़ा सा बाउंड्री, थोड़ा सा स्कूल दिखा, जो कि मैं अम्ब्रेला ली हूँ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ साइड का, ऊपर का फ़ोन मैं अंदर पकड़ी हूँ ऐसे तैसे कैसे करके। और मैं रोड पे आ गई, मेन रोड पे आ गई, और लाडो का स्कूल यहीं पे है, यही है लाडो का स्कूल, जो कि मैं शायद नहीं दिखा पाई हूँ। मैं सीधा ही जा रही हूँ गेट से, फिर अभी टाइम था तो मैं निकल गई दूसरे एटीएम, वहाँ जाके देखी तो वहाँ पे नहीं था। फिर मैं निकल गई तीसरे एटीएम, जो है पानी में मैं पागल की तरह मैं ऐसे दौड़ रही हूँ। अभी फाइनली मैं दूसरे एटीएम में गई तो यहाँ पे जो है मिला मुझे कैश, ये कैनरा बैंक का एटीएम है, तो यहाँ पे जाके मुझे कैश मिला। और मैं बाहर अभी निकली और मैं जा रही हूँ अभी गेट पे लाडो को लेने के लिए। आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए, आप सबके साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप सबके साथ के बिना तो मैं सोच भी नहीं सकती कि ज़िंदगी क्या रहेगी। और लाडो आ गई, अपना होमवर्क कर रही हैं, बहुत ही मतलब डिसिप्लिन में रहती हैं ये, टाइम की बहुत पंक्चुअल हैं, दोनों लोग अपना अपना होमवर्क कर रहे हैं। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल नए वीडियो में, नए दिन के साथ, नए ज़िंदगी के साथ। हर एक दिन नई ज़िंदगी होती है, और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सब अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए सॉरी। और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।